गुड मॉर्निंग गाइस, और गया की पावन और पवित्र नगरी में आप सभी का स्वागत है। आज की दिन की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, इस हाइट से। ये रास्ते हैं थोड़े से खतरनाक से, कि अगर पैर वैर इधर उधर तुम्हारा स्लिप कर जाए तो चोट बहुत गंदी आएगी। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं, बट पत्थर बहुत है यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा एडवेंचर जैसा है, हल्का हल्का सा, तो मज़ा भी आ रहा है। वैसे थोड़ी बहुत गंदगी भी थी ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, इधर चारों तरफ लोग रहते हैं। तो हमने अपना छोटा सा एडवेंचर करके और वापस जा रहे हैं। अभी बढ़िया मस्त चाय पी हमने और वापस यहाँ से मंदिर के रास्ते से होते हुए जा रहे हैं। तो मैं तुमको मंदिर दिखाता हूँ, चलता हूँ। तो ये जो पूरा एरिया है, ये लाइक पहाड़ पे बसा हुआ है, लोग मतलब पहाड़ पे रहते हैं। ये मंदिर जो ये भी मंदिर जो है, ये भी हाइट्स पे है, काफ़ी अच्छी खासी हाइट है। और अभी मैं मंदिर में घुस चुका हूँ, इस लाइक कि मंदिर से होते हुए रास्ते निकल रहे हैं यहाँ से। तो तुम लोग को दिखाते हुए चलता हूँ मैं। तो ये है मंदिर का एरिया, हम मंदिर के अंदर से होते हुए निकल रहे हैं। इसमें रास्ते ऐसे ही थोड़े से डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं काफ़ी, क्योंकि पहाड़ है और जगह जगह से रास्तों को काट के बनाया गया है। तो थोड़ा सा लाइक हर जगह से मैनेज करते हुए चीज़ें यहाँ से ऐसे ही बनी हुई हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया सा सीन है यहाँ पे, लाइक जैसे ये पूरा पहाड़ है, ऊपर घर बना हुआ है और मंदिर उसके हल्का सा नीचे है। तो अब मंदिर से एडवेंचर करके हम निकल चले हैं वापस। और रास्ते तुम देख ही सकते हो यार, ये ऊपर चढ़ता जाता है, उधर साइड में तुम्हें पहाड़ दिख रहा होगा दूर में कोने में। इन हाइट्स पे तुम मतलब रोज़ दो बार ऊपर नीचे कर दो ना, तुम्हारा वेट ज़रूर कम हो जाना है, है ना। तो हाइट्स अच्छी खासी है और मज़ा भी आ रहा है ऊपर नीचे करने में। यहाँ पे घर के रास्ते भी ऐसे ही हैं, ऊपर नीचे लाइक ढलान जैसा है और घर वैसे ही बने हुए हैं, तो बढ़िया मज़ेदार है। और वापस हम आ गए घर। और ये दूल्हा कहाँ है, मेहंदी लगा घूम रहा था। अच्छा, देखते हैं जिसकी शादी है उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। ऊपर आ जाए, आ रहे हैं अभी, आ रहे हैं ऊपर। और ये है हमारे दूल्हे राय, कहाँ जा रहा है भाई, हाथ तो दिखाओ मेहंदी वाला। अरे ऐसे, हाँ अरे लड़की वाला, अरे वो ये बढ़िया लग रहा है एकदम, लड़की बहुत बढ़िया। तो हम भी चलते हैं जरा ऊपर, देख के आए आज दीपक बाबू के साथ क्या क्या होने वाला है। अरे ससुराल से थोड़ा अभी लेके आया, स्पेशल मंगवाया। अच्छा, हल्दी लगने वाला है। मेरे को यहाँ पे एक दिख गया है मंदिर, ऊपर बहुत हाइट पे है, और मैंने सुना कि यहाँ पे 400 स्टेयर्स हैं, ठीक है। तो उसका भी एक टास्क लेकर अपन इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे जल्दी। आज तो शादी, तो आज मैं बिजी रहूँगा, आज जा नहीं पाऊँगा। द थिंग इज़ कि मैं जा रहा हूँ मार्केट यार। एक्चुअली मैंने अभी ध्यान दिया कि मैं अपना शूज़ छोड़ के आ गया हूँ घर पे, है ना। तो मेरे को एक नया शूज़ लेना है टक्स पे पहनने के लिए, बिना शूज़ के फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ टक्स को पहनने का। और ये कैजुअल शूज़ पहन नहीं सकता, उस पर अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, सीधी सी बात है भाई। तो मैं जा रहा हूँ मार्केट एक शूज़ लेने, ठीक है। ओके, तो हमारा शूज़ डन हो चुका है ऑन। यहाँ पे शॉप बड़े अच्छे दिख रहे हैं, वीडियो वाले यहाँ पे बहुत सारे शॉप है, और बढ़ने के साथ साथ देखते हुए जूता मार्केट। तो हम शूज़ के चक्कर में निकले हैं, और उसके अलावा तीन चार काम और है, जैसे शादी का माहौल है तो काम हमेशा आते ही रहते हैं। तो मित्र इतना सारा काम निकल के आएंगे, तो मैं हूँ, मेरे साथ दो लोग हैं और आगे बाइक के दो लोग और हैं, चार लोग निकले एक साथ, क्योंकि बाइक में बड़े एक्सप्लोर करते हुए गया था और मज़ा भी आ रहा है। क्योंकि फिल्म सिटी में जाओ और बाइक से एक्सप्लोर करने का मौका मिले, उस मौके को कभी गंवाना चाहिए। सो आई थिंक हमें एक शॉप दिख तो गया है, यहाँ पे स्ट्रीट लेदर समथिंग करके है, यहाँ पे मैं शूज़ लूँगा, देखते हैं कैसा शूज़ मिलता है, अगर अच्छा मिला तो मैं यहीं से ले लूँगा, ठीक है। चलो अंदर जाते हैं फिर देखते हैं। आई एम लुकिंग फॉर दिस, बट ये आगे कुछ ज़्यादा लंबा चूच निकला हुआ जो कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कुछ और ट्राई करता हूँ ना, ये कुछ खास लग नहीं रहा है। ये शूज़ मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ यही ले लूँ। अब यहाँ पे ऑप्शंस बहुत कम है और मैं ज़्यादा दौड़ना नहीं चाहता हूँ। जिस वन इज गुड, इसमें थोड़ा सा वो चूँच निकला हुआ है बाहर, तो फिर भी इट्स क्वाइट गुड, तो मैं इसके लिए जा रहा हूँ, ठीक है। थ्री लेदर, ओके। द थिंग अबाउट दिस शॉप इज़
कि ये लोकल मैन्युफैक्चर करते हैं शूज़, और क्वालिटी अच्छी थी, काफ़ी चीप था इनका शूज़। मैंने जो शूज़ लिया वो 880 का था, ओनली 880, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मेरे को लग रहा है ये अगर तुम कभी भी गया हो ना, ये श्री लेदर्स पे आके तुम अगर शूज़ ट्राई कर सकते हो, और अगर तुमको गया में कभी ऐसे लोकल शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे मार्केट है, इस मार्केट का नाम है, ये कौन सा रोड है, ये कोई KP रोड गया बिहार, ठीक है, हाँ KP रोड है। यहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा दिख रहा है मेरे को, कपड़े ज़्यादा करके दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो अगर तुमको ऐसा कभी मार्केट इस टाइप का मार्केट में आना हो तो यहाँ पे ये भी है, तो थोड़ा तुम गया को तो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये जो एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग कल जब मैं पहुंचा था तो इसी रास्ते से गया था। स्टेयर्स काफ़ी सही है यहाँ पे, बड़ा मज़ेदार सा जगह दिख रहा है ये, और मंदिर का एरिया है पूरा, तो यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी होती है पूरे टाइम। तो हमने बढ़िया मस्त डांस वांस करके और दीपक को लेके, दीपक की गाड़ी में हम निकल चुके हैं बारात के साथ, मेरे दीपक की गाड़ी में फ्यूल ले रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं बढ़िया मस्ती करते हुए। अभी एक चीज़ हो गई कि मैं अपना मास्क भूल गया हूँ, तो मैं देखता हूँ, तो मास्क मिला तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी का हैंडकरचीफ लेके बांध लूँगा। ठीक है, चलो फिर, इट्स टाइम टू मूव नाउ। बात बताओ, तू एक्साइटेड है शादी है तेरी? तो इतने टाइम से रुकी हुई थी शादी, कोमल मैं आ रहा हूँ। फाइनली वी आर हियर एट द मैरिज वेन्यू, और अभी दिक्कत क्या कि हम काफ़ी लेट पहुँचे क्योंकि हम रास्ता खो गए थे, हमारी गाड़ी रास्ता खो गई थी और हम कहीं और निकल गए थे, इसलिए हमें लग रहा है कि 1.5 घंटे हम लेट हो गए, ठीक है। तो 1.5 घंटे लेट होने के चक्कर में सब कुछ लेट हो गया है, ठीक है। तो अब हम पहुँच तो गए, और अब दीपक का जो है तिलक हो रहा है, आई डोंट नो तिलक लोगों को पता है, दीपक का तिलक हो रहा है, ठीक है। तिलक के बाद जयमाल वगैरह होता है शादी वादी। आज मेरे यार के साथ है, आज मेरे भाई के साथ है।